हम सुख पाया तसबे सुहेले गुरपुरे गुरपुरे पिता संग मेले हम सुख पाया तसब है सुहेले गुरपुरे गुरपुरे पिता संग मेले गुरपुरे गुरपुरे पिता संग मेले गुरपुरे 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 पिता संग मेले हम सुख पाया तसब है सुहेले गुरपुरे गुरपुरे पिता संग मेले संग मेले हम सुख पाया तसबे सुहेले गुरपुरे गुरपुरे पिता संग मेले गुरपुरे गुरपुरे पिता संग चिरंजीवी पाई हमारे सद ही जीवी बाप हमारा सद चिरंजीवी पाई हमारे सद ही जीवी मीत हमारे सदा अविनाशी सदा विलासी कुटुंब हमारा निज परवासी कुटुंब हमारा निज परवासी गुरपुरे 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 पिता संग मेले हम सुख पाया सबे सुहेले गुरपुरे गुरपुरे पिता संग मेले गुरपुरे गुरपुरे पिता संग मेले गुरपुरे गुरपुरे पिता संग मेले हम सुख पाया तसबे सुहेले गुरपुरे गुरपुरे पिता संग मेले गुरपुरे गुरपुरे पिता संग मेले
सब ते ऊचे सब ते ऊचे सब ते ऊचे मंदिर मेरे सब ते ऊचे देश मेरे बेअंत पूछे आदेश मेरे मेरे बेअंत पूछे देश मेरे बेअंत पूछे देश मेरे मंदिर मेरे सब ते ऊचे मंदिर मेरे सब ते ऊचे सब ते ऊचे मंदिर मेरे सब ते ऊचे देश मेरे बेअंत पूछे राज हमारा सद ही नहीं चल राज हमारा सद ही नहीं चल माल हमारा अखूट अबेचल माल हमारा अखूट अबेचल गुरुपुरे 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 पिता संग मेले हम सुख पाया तस में सुहेले गुरुपुरे गुरुपुरे गुरुपुरे
सबे सुहेले Thank you.
बाप हमारा सद चिरंजीवी, भाई हमारे सद ही जीवी। ये शब्द जेड़ा ना इहदे विच तुसी गाओ दे नाल अगर वक्ती अर्थ देखण दा जतन करोगे ना गुरु रूप साध संगत जी ते तुहानू इहदे विच तुहानू गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते उहनां दे साहिबजादियां दा जिक्र एक प्रकार दे नाल दिसेगा। बाप हमारा सद चिरंजीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा अविनाशी, कुटुंब हमारा निज घर वासी। उस तो बाद सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने मंदिर मेरे सब ते ऊचे। अगर गौ दे नाल भावअर्थ बना लीए तो कुछ समय तक भावें अर्थ ये नहीं ने, पर देखा जाए तो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नाल ये शब्द बिल्कुल टुक जाता है। ये शब्द भाई गुरमेज सिंह जी इन्होंने दिनों में पढ़ते होंगे सन जो मैं उन्होंने नाल तबले की सेवा करता सा। बड़ा आनंद रूह करके ये चीज हलूणा दिंदी सी। अंदर मंदिर मेरे सब ते उच्चे, जो आप कहते राज करे तो खालसा आकी रहे ना कोई, झूलते निशान रहे पंथ महाराज के। वो निशान जेड़ा है वह झुलदा ही पिया, वो मंदिर सब तो उच्चा ही है जिथे सच्चाई का वासा है। भावें कोई वक्ती तौर पर कुछ समय वास्ते प्रभाव बना ले, पर जित जिहड़ी उस सच दी हुंदी। गज के आखो सतनाम, सच कदी अलोप नहीं हुंदा। किसी चीज नूं मद्धम कीता जा सकता, खत्म नहीं कीता जा सकता। जिवें कोई फोटो स्टेट करो एक कापी तो दूसरी दूसरी तीसरी होवे, थोड़े मद्धम प्रिंट जिहड़े मद्धम पै जांदे ने पर जांदा नहीं है। ਪਤਾ ਇਮਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਮਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਂਸਾ ਤੋੜਿਆ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਂਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਿਆਲਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਰਤਨ। ਅਗਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਵੀ ਦਈਏ ਤੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ, ਤੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਬੋਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਂਸਾ ਤੋੜਿਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੁੱਤ ਚਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੁੱਤ ਚਾਰ। ਚਾਰ ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਂਸਾ ਤੋੜਿਆ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਾਬਤ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਧਰ ਜਾਓ, ਜਿੱਧਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲ ਜਾਓ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਚਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਤਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਪਿਤਾ ਸੰਗ ਮੇਲੇ, ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਮ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਭੇ ਸੁਹੇਲੇ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਿਤਾ ਸੰਗ ਮੇਲੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਮੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
पूरे गुरु तो बिना कोई चाहे कि मैं उस तक पहुंच जावा अप्रोच करा नहीं हो सकता। असी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के इस हफ्ते के सारे पुरब इकट्ठे आ जाते हैं। शहीदी पुरब माता गुजर कौर जी का, छोटे साहबजाद का, वड्डे साहबजाद का, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और नाल अति आदरणीय महापुरश ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा ठाकुर सिंह उन्होंने उन्होंने याद में उन्होंने पावन पवित्र याद असी उस विच जुड़ बैठे हैं। बड़ा सत्कार करते संकीर्तन का अंदर बैठे भी जो रागी सिंह अंदर भी कीर्तन इतने हालांकि पैसा देना भेटा देनी अलाउड नहीं पर फिर भी रागी सिंह की जेब दे विच उन्होंने भेटा पा देनी। कीर्तन का इतना महान सत्कार संत बाबा ठाकुर सिंह जी करते सन और शब्द के नाल भिजी हुई रूह सन उन्होंने याद में बैठे हैं। आओ शब्द दी पंक्तियां दे नाल फिर जुड़ते हैं। बाप हमारा सद चरणजीवी, किसी नूं खत्म करके असी खत्म नहीं कर सकते। कोई चाहे कि मैं उन्होंने खत्म किया पर इतिहास के पन्नों तो उन्हों का नाम कदी रही दुनिया तक वह बरकरार रहेगा। बाप हमारा सद चरणजीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, बाप हमारा सद चरणजीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा अविनाशी, मीत हमारे सदा अविनाशी, कुटुंब हमारा निज घरवासी, कुटुंब हमारा निज घरवासी, गुरपुरे 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 पिता संग मेरे, हम सुख पाया हम सुख पाया, तसम सुहेले गुरपुरे गुरपुरे पिता संग मेरे, गुरु ही परमात्मा दे नाल मिल सकदा है। अधूरे विच वो कैपेबिलिटी समर्था नहीं होंदी, समर्थ गुरु जिहड़ा है वो ही हाथ धरे ते पूर्ण ज्ञान ते पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होंदी, क्योंकि गुरु जिहड़ा है ये जग्यासु नूं तैयार करदा है, क्योंकि परमात्मा महान प्रचंड प्रकाश है। उस परम पिता परमात्मा के सामने खड़ा होने वास्ते गुरु सेवक को तैयार करता है। जिवें माली अपने बाग दे विच पौद्यां नूं तैयार करदा है, प्यार करदा है, उन्हां नूं सींजदा है, पानी दिंदा है। कई पौधे ऐसे होंदे जिहड़े सूरज दी रोशनी नूं सहार नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा महान ज्ञान है, महान चानण है, उहदे वल वेखना अखां चों दे आ जांदियां ने कई दफा। भाई वीर सिंह ने कहा कि सुपने विच तुसी मिले आ सानू, ये तुसी कविता पढ़ के देखोगे उस जिक्र कीता है, असां तां गलवकड़ी पाई पर निरा नूर तुसी हाथ नहीं आई, साडी कम दी रही कलाई। वह महान प्रकाश है। आम सूरज वल वेखना होए ते सूरज अखां जिहड़ा वह बंद करा दिंदा है, ते इतना महान चानण वेखण वास्ते कैसियां नजरां गुरु उपलब्ध करवाउंदा है। वह पूरा गुरु जिहड़ा है वह जिस तरह एक माली कई प्रकाश नहीं सहार, मैं बेनती की ना कई पौधे जड़े ने उस सूरज की रोशनी में सहार देनी, वो फिर माली जड़ा है उन्होंने छावे रखता है, किसी ओट के रखता है, उन्होंने पहला तैयार करता है, तो फिर वह प्रकाश के सामने उस लाइट के सामने लैके आता है। इस तरह पूरा गुरु
सेवक नूं पूर्ण रूप दे विच तैयार जदों कर दिंदा है ते फिर गुरु जिहड़ा ओह परमात्मा दे हत्थ सेवक दी बांह फड़ा दिंदा है। फिर गुर पूरे पिता संग मेले उदों मिलाप ते पिता ते पूत रल कीनी सांझ कहो नानक जो पिता पति ने पिता पूत एक रंग लीनी उदों फिर आनंद जिहड़ा है ओह पैदा हुंदा। तो इस आनंद की प्राप्ति वास्ते असी गुरु के चरणों में आने हाँ। हर एक आदमी की ये इच्छा है कि मैनू आनंद मिले, मैं आनंदित होवां ते मैनू खेड़ा जिहड़ा मेरे हिरदे विच सदा सदी भी टिके।